शायद ऐसा होगा कि हमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। लाइफ के ऊपर जोर से एक मुक्का आएगा, जोर से पड़ेगा, एक इधर से पड़ेगा और एक इधर से पड़ेगा, क्योंकि यार रात रात भर जगकर आपको काम करना पड़ रहा है, पसीना आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, नींद आ रही है, जाल इस जो ट्रैप इसमें फंस जाओगे आप, इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, ऐसी सिचुएशन आएगी आपकी, गारंटेड उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा आज की इस वीडियो के बाद। वो कभी नहीं सोचेगा कि डार्क सेक्शन आर्किटेक्चर, वो कभी नहीं सोचेगा, उसका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हेलो एंड कैसे हो लोग, तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर के कुछ डार्क साइड्स, कुछ डार्क फेसेस के बारे में। कौन कौन से ऐसे डार्क फेस होते हैं आर्किटेक्चर के अंदर, अपन डिस्कस करेंगे आज की क्या होता है डिटेल में, कौन कौन से डार्क साइड्स हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि आप कॉलेज में जा रहे हो या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी तरह के स्टूडेंट हो, ये वीडियो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यस, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डार्क साइड्स इन आर्किटेक्चर। पता है इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने मेरे पांच दोस्तों से कांटेक्ट किया था, पांच दोस्तों से। पहला जो दोस्त था वो था आईआईटी मद्रास में, जो कि अभी इस साल पास आउट हो चुका है और उसकी प्लेसमेंट लग गई है। वो था केमिकल इंजीनियरिंग में, आईआईटी मद्रास केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके भी पुणे में जॉब लगी है। नेक्स्ट जो था वो हमारे पास था, मुंबई में है, वो कोल्हापुर में रहता है और वो कुछ अभी एनिमेशन का कोर्स कर रहा है। उसमें से बाकी तीन जने थे वो जयपुर से हैं, तीनों जयपुर में, वो तीनों के एक के सिविल इंजीनियरिंग है, दो के कंप्यूटर साइंस है। एक एक करके तीनों को फोन लगाया, पांचों को फोन लगाया, मैंने इससे सवाल किया पहले से कि यार आप तो आईटी के अंदर हो, आपकी तो लाइफ सेट है वगैरह वगैरह, तो आपकी तो कोई लाइफ के अंदर डार्क साइड्स होगी नहीं, डार्क फेसेस होंगे ही नहीं, आपके तो मजे हैं। फिर उससे पूछा, मैंने कहा इन सबके तो मजे होंगे क्योंकि डार्क साइड तो सिर्फ आर्किटेक्चर में ही होती है, ठीक है ना, क्योंकि यही तो लाइन फेमस है, डार्क साइड्स इन आर्किटेक्चर यही फेमस है। इन सभी के आंसर जो एक आया ना, वो सब आंसर सबका कॉमन ही था लगभग लगभग, कि ऐसा कौन सा दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जिसकी लाइफ के अंदर कोई डार्क फेसेस ना हो, जिसकी लाइफ के अंदर कब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, कुछ टेंशन डिप्रेशन है ही ना। इन सबको छोड़ो, हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारी लाइफ के अंदर ऐसा कुछ है कि हम हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा अच्छा ही रहते हैं, कभी डिमोटिवेट होते ही नहीं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, हर चीज़ में टॉप कर रहे हैं, डार्क फेसेस है ही नहीं हमारे, ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता, राइट। तो आज की जो हमारी वीडियो है डार्क फेसेस इन आर्किटेक्चर, ये एक्चुअली वो लाइन है ना, ये आर्किटेक्चर के साथ बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए लाइन लोगों से आप सुनते हो कि डार्क साइड्स इन आर्किटेक्चर। अगर मैं बोलूँ कि आपको डार्क साइड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग तो लाइन जज भी नहीं रही, डार्क साइड्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो लाइन जज भी नहीं रही भैया, तो ये लाइन तो भैया फेमस है डार्क साइड्स इन आर्किटेक्चर। तो देखो यार आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि आर्किटेक्चर के अंदर डार्क साइड्स के नाम पर ऐसे कौन से टफ टाइम्स है, डार्क साइड बेसिकली क्या चीज़ है, डार्क साइड बेसिकली क्या एक टफ टाइम्स है जो हमको इस फेज में देखने हैं, हमारे लाइफ में भी टफ टाइम्स आएंगे। अब अगर कोई लाइफ के अंदर कुछ टफ टाइम्स आ रहा, उससे पहले हमको अगर कोई बता दे कि आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, तो डेफिनेटली भैया हम पहले ही उसकी तैयारी कर लेंगे ताकि उस फेज से हम लोग जल्दी से निकल जाएं, ठीक है, वही अपन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो देखो यार टफ टाइम्स आर्किटेक्चर में दो तरीके से हो सकता है, मतलब दो बार आता है, ठीक है, दो पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। पहला जो फेज होता है, नंबर वन फेज, वो होता है आपकी कॉलेज लाइफ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांच साल। उसके बाद आफ्टर फाइव इयर्स, जब पांच साल बाद आप जॉब या खुद की फर्म खोलते हो, उसके बाद की जो लाइफ है इसका डार्क फेसेस अलग है। इसको अपन आज की वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी अपन कॉलेज स्टूडेंट है, मैं भी कॉलेज हूँ, आप भी कॉलेज में हो या फिर कॉलेज में आ रहे हो, ठीक है। तो इन पांच साल के अंदर भी जो भी डार्क फेसेस हमारे होने वाले हैं, इसको हमको कैसे हैंडल करना है और क्या करना है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ कि आपने इस पूरी वीडियो को देखते देखते अगर इसके लास्ट पार्ट तक देख लिया, तो लास्ट पार्ट के अंदर ऐसी कोई चीज बताऊंगा कि हमारे साथ जो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है, उस सिचुएशन से अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो गारंटेड हमारी जो आने वाले पांच साल है वो बच जाएंगे। जो डार्क फेसेस हमारे इस पांच साल के अंदर आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं, वो अब से नहीं आएंगे भैया। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखकर एंड वाला पार्ट देख लिया, तो अब डायरेक्ट एंड वाले पार्ट में मत जाना, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद अगर एंड वाला पार्ट देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हर चीज को प्रैक्टिकल से समझते हैं ताकि हमारे दिमाग में पिक्चर बनती जाएगी और हमको पता रहेगा कि ऐसी ऐसी हमारे साथ वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है और इस सिचुएशन से हमको कैसे निकलना है बाहर, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यार आपको, ये तो है जो कौन है हम, ये दिख रहा है बोल के अंदर आपको तीन चार तरह के कलर दिख रहे हैं, व्हाइट भी है, रेड भी है, येल्लो भी है, अलग अलग तरह के कलर्स है, ठीक है। ये क्या यार, ये हम है, ये जब हम कॉलेज में आते हैं या फिर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर आप जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आए थे, अगर आप अभी सेकंड थर्ड ईयर में हो, फोर्थ फिफ्थ ईयर में हो, या फिर आप जब अभी ऑलरेडी कॉलेज में हो, आप जब आए थे, एंट्री मारी थी, तब हमारी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है
कि हम रंग कलरफुल होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे जो सराउंडिंग, हमारे जो अंदर है ना, अभी सब अच्छे अच्छे फेसेस है, अभी कुछ डार्क नहीं है, सब लाइट है और सब कलरफुल है, सब इंजॉयमेंट है, ये हम लोग हैं, ठीक है। ठीक है भैया, यहाँ तक बात समझ आती है। अब यहाँ पर डार्क तब होगा तब हमको कोई ऊपर से आकर क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। अब क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, मैं एक एक करके आपको समझाता जाता हूँ, ठीक है। पहली चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा वो ये, डार्क साइड्स के अंदर नंबर वन, कुल मिलाकर भैया 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नंबर पहली चीज वो बात करूंगा वो ये कि यहाँ पर आपने सुना होगा कि आर्किटेक्चर के अंदर वर्क लोड बहुत होता है। क्या होता है? वर्क लोड बहुत होता है, बहुत सारा काम होता है। ऐसी सिचुएशन आपकी बनेगी जब आप अभी फर्स्ट ईयर के अंदर, स्पेशली अगर बात करूँ तो आपको हैंडमेड शीट बनानी होती है, जो भी शीट्स होती है उसके ऊपर हाथ से पूरा काम करना होता है। लैपटॉप नहीं होता, लैपटॉप सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है, किसी किसी कॉलेज में थर्ड ईयर से स्टार्ट होता है इवन लैपटॉप, मोस्टली कॉलेज में सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर भी हाथ से काम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, ऐसा खुद के मेरे साथ हुआ है कि बहुत बार रात रात भर शीटें बनानी पड़ी। इसमें मैंने लिखा है नंबर वन जो कि वर्कलोड, राइट, जो आपको दिखाता जा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें अपन वर्कलोड के साथ साथ मैं नीचे लिख रहा हूँ जो कि अधिकतर वर्कलोड रहता है वो हैंडमेड शीट्स का रहता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ नीचे क्या, शीट्स, जो शीट्स का हमारा हैंडमेड जो रहता है वो शीट्स मैंने लिख दिया, अप्रोक्सीमेटली शीट का रहता है ज़्यादा, ठीक है। इस पर लिखता हूँ यार, हमारे जो कुछ अकेडमिक्स की अगर बात करें, अकेडमिक्स भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है ना। पहला पार्ट होता है कौन सा, थ्योरेटिकल, और दूसरा पार्ट कौन सा होता है, प्रैक्टिकल, राइट। ये हमको पता ही है, हर फील्ड में ऐसा होता है, जहाँ थ्योरेटिकल भी होता है प्रैक्टिकल भी होता है। हर फील्ड के अंदर थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है प्रैक्टिकल कम होता है, बट लेकिन आर्किटेक्चर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर ये एक रूल बना रखा है कि आपको प्रैक्टिकल जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली होगा कितना, 65% प्रैक्टिकल होता है। नॉलेज हमको गेन करना होता है, ठीक है ना। अब कॉलेज पर डिपेंड करता है कौन कितना प्रैक्टिकल सिखा रहा है, कौन कितना थ्योरेटिकल सिखा रहा है। अधिकतर कॉलेज में थ्योरी सिखा देते हैं, प्रैक्टिकल भी सिखा देते हैं, पर लेकिन स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, पर लेकिन हमको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर थ्योरेटिकल की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 35%, ये एक रूल है अकेडमिक्स के अंदर, थ्योरेटिकल जो होगा 35% होता है और प्रैक्टिकल अप्रोक्सीमेटली 65% होता है, मतलब इसके ऊपर हमको ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये अकेडमिक्स का बोझ ये जो है पहला आता है हमारे ऊपर, राइट, ध्यान देना, जो कि हमको इसका बोझ झेलना पड़ेगा। अगर दूसरे ब्रांच, दूसरे अगर चीज़ों से बात करें तो आर्किटेक्चर के अंदर यार सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। अगर थ्योरेटिकल के अंदर बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, 9 से 10 सब्जेक्ट्स, सेम प्रैक्टिकल के अंदर भी इतना होता है, प्रैक्टिकल में 1 से 2 सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे आर्किटेक्चर डिज़ाइन की बात करें तो उसका थ्योरेटिकल नहीं होता, उसका ऑनली प्रैक्टिकल ही होता है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल। ये हमारा वर्कलोड था शीट्स, शीट्स के अंदर क्या होता है, इसको भी रख देते हैं ऊपर जो कि हमको एक कवर कर रहा है, ठीक है ना। चीज़ें देखो एक चेक करके बहुत सारी चीज़ आएगी जो हमको धीरे धीरे कवर करेगी, क्या वह सिचुएशन क्या हो सकती है वो मैं आपको भी बना के बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो जब शीट्स की थोड़ी सी अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है यार कि शीट्स जब मिलेगी तो स्पेशली अगर बात करें तो कुछ सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स हो गया, आर्किटेक्चरल डिजाइंस हो गया, ठीक है, या फिर बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, या फिर कुछ और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल सर्वेइंग एंड फील्ड वर्क, ठीक है। तो ये कुछ 4 से 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आपको शीट्स दे दी जाती है, और शीट्स जब मिलती है ना तो फिर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स के अंदर आपको ऑर्थोग्राफिक्स वाला एक टॉपिक आया, उसकी शीट्स मिली, उसके बाद आपके पास ऑर्थोग्राफिक्स के बाद कुछ आइसोमेट्रिक आया, इन सबसे पहले एक आती है लेटरिंग, जो कि हमको हाथ से शीट के ऊपर 1 2 3 4 ABCD लिखने पड़ते हैं, लेटरिंग करनी पड़ती है, ठीक है, लाइन खींचनी पड़ती है, अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। तो यार ये शीट्स जो होती है ये एक शीट्स को बनाने में इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पैरेलल बार सेट स्क्वायर ये सब स्टेशनरी होती है, इन सब से बनाने में एक शीट को 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं, 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे ऊपर किस स्पीड से हम उनको बना रहे हैं। अब भैया इनके साथ साथ क्या चाहिए, अब टीचर को इनके साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, ठीक है ना, स्पीड भी चाहिए, और हर चीज़ को एकदम बिना मिस्टेक के एकदम अच्छी सी शीट बनानी है। अगर कोई गलती रह जाती है, कोई मिस्टेक बाय पास रह जाती है, ठीक है, आइसोमेट्रिक के अंदर, ऑर्थोग्राफिक्स, किसी भी चीज़ के अंदर, XYZ, ड्राफ्टिंग के अंदर कोई मिस्टेक रह जाती है, ड्राफ्टिंग एरर आ जाती है, तो उस शीट को आपको करनी पड़ती है रिपीट, उसके अंदर टीचर लिखता है रिडू, रिपीट करनी पड़ती है उसको, फिर आके उसको शीट को फिर से बनाना पड़ता है। ऐसे करते करते आप पूरा दिन निकल जाते हैं, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ पर आपको रात रात भर जगकर वो शीटें बनानी पड़ती है, और आर्किटेक्चर स्टूडेंट को फिर यही टाइम पास करने का जो तरीका होता है कि मतलब शीट बनाने बनाते बोर हो जाते हैं तो साइड में कोई भी सॉन्ग या नए गाने चला देते हैं, जो कि हर एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट मोस्टली जो मैंने देखा है एक आदत होती है, गाने सुनते सुनते काम हो जाता है, तो काम जल्दी हो जाता है, ठीक है, ये बोलने का मतलब है। खैर वो सब बात की बात है,
तो यार ये यहाँ पर जो है सबसे एक बड़ा वर्स्ट सिचुएशन होती है जहाँ पर हमको बहुत सारा वर्कलोड मिलता है और हैंडमेड जो शीट्स होती है ना उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है, पूरे पूरे दिन लगे रहते तो भी शीट्स नहीं बनती है, ऐसा एक सिचुएशन आ जाती है, ठीक है ना, हर चीज़ के अंदर ड्राफ्टिंग के अंदर, इवन जिसकी जो एक टेबल भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है तो जिसका अगर हाथ नहीं पहुंच रहा होता है तो टेबल के साइड में जाता है, उसके बाद जाकर काम करता है, जिसका उस तरफ हाथ नहीं पहुंच रहा होता है तो टेबल के यूं उल्टा घूम के जाता है खड़ा होकर, फिर यूं पीछे से काम करता है, मतलब चारों तरफ घूम घूम कर हमको टेबल के काम करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, मतलब चीज़ें बहुत सारी होती है। खैर ये एक्सपीरियंस अच्छा भी होता है थोड़ा पर, लेकिन ज़्यादा इसको बात करें तो ये डार्क साइड्स के अंदर गिना जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यार रात रात भर जगकर आपको काम करना पड़ रहा है, पसीना आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, नींद आ रही है, मतलब नींद के इतने ज़्यादा नींद इतनी आती है ऐसा लगता है टेबल पे एक बार तो दो बार तो नींद आई जाती है, सो जाते हैं, ठीक है, 15-15, 20-20 में एक नैप लेते रहते हैं, उसके बाद फिर से उठकर काम करते हैं। ये चीज़ें देखने को मिलती है फर्स्ट ईयर के अंदर, जो कि हर एक स्टूडेंट के साथ ये चीज़ झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हुआ, वर्क लोड जो कि हमारे पास ऊपर आकर पहले आपको गिरेगा आपके ऊपर, ये एक हमारे पास हार्ड टाइम टफ टाइम्स होता है, ठीक है ना। चलते हैं नंबर सेकंड के ऊपर और बात करते हैं कि क्या चीज़ है। देखो आर्किटेक्चर के अंदर आपने सुना होगा भैया थोड़ा सा खर्चा होता है, ठीक है ना, ये जो नंबर सेकंड वो चीज़ है वो मैं बात करूंगा कि प्रिंट, प्रिंट्स और या फिर मैं बात कर सकता हूँ प्रिंट से पहले, पहले प्रिंट होगा उसके बाद हमारे पास कौन सा है स्टेशनरी आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स, ठीक है ना, आइटम्स। नंबर सेकंड जो है पहले स्टेशनरी आइटम्स है जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, वैसे अपन इसके ऊपर डिटेल में भी वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेशनरी आइटम्स हमको परचेस करने हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है ना। अभी जाने से पहले हमको बहुत सारे स्टेशनरी आइटम्स की एक लिस्ट में आपको दे दूंगा कि आपको कितने के सामान पड़ेंगे, तो स्टेशनरी आइटम्स हमको परचेस करने होते हैं। और स्टेशनरी आइटम के बाद जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर या फिर सेकंड ईयर के अंदर बात करते हैं, जब हम इवन अधिकतर जब लैपटॉप पे काम करते हैं तो जो लैपटॉप के अंदर जो भी काम करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसको अगर हमको थोड़ा सा रिव्यू करना होता है टीचर के साथ, जो हमने काम किया है जो भी हमने डिज़ाइन किया है उसको रिव्यू करने के लिए हर बार टीचर के पास आपको प्रिंट ले जाना पड़ता है। अब प्रिंट जो है उसके पैसे भी अलग लगते हैं, प्रिंट के अलग से निकालने पड़ते हैं आपको, ठीक है, आपके कॉलेज भी जाओगे उसके आसपास कोई शॉप होगी होगी वहाँ से आप प्रिंट निकाल दो, तो प्रिंट का हो गया, स्टेशनरी आइटम्स जो भी आपको पूरे साल भर कोई ना कोई अच्छा अच्छा कोई अलग अलग तरह के स्टेशनरी आइटम्स आपको चाहिए होते हैं यहाँ पर, तो खर्चा जो है छोटा बड़ा खर्चा मिलाकर अगर बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो खर्चा होता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस, एज कम्पेयर टू अदर फील्ड। तो यार मैं इसको एक डार्क साइड्स के अंदर गिनता हूँ, क्योंकि यार देखो हर एक स्टूडेंट नहीं हो सकता है जो शायद हर चीज़ को अफोर्ड कर ले, ठीक है। अगर मैं अगर बात करूँ, मैं इवन यार पर्सनली एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से, और मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से भी होते हैं, 50% स्टूडेंट जो होते हैं वो अच्छी क्लास फैमिली से होते हैं, 50% होते हैं जो शायद बिलो एवरेज लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो यार चीज़ें देखो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता भी हूँ कि जब कॉलेज हम चूज़ करते हैं तो उसके अंदर ट्राई करना है कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, गवर्नमेंट के अंदर फीस का थोड़ा हमको रहेगा और फीस के साथ साथ थोड़ा इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, तो ओवरऑल हम आराम से हो सकता है। बट लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज भी जाते हो तो उसके अंदर भी ट्राई करना होता है कि कहाँ पर फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, गवर्नमेंट में मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बट लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले फीस भी ज़्यादा लेते हैं और खर्चा भी ज़्यादा कराते हैं इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना। स्टेशनरी आइटम्स हो गया, चाहे प्रिंट्स हो गई, अलग अलग तरह की शीट्स हो गई, शीट्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शीट्स आती है वो आपको परचेस करनी पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेन आते हैं, स्केचेज आते हैं, मार्कर पेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी तरह की चीज़ें, तो ये सब जो आता है लोड ये भी हमारे ऊपर आता है, राइट, ये समझ में आ रही है। फिर लोड क्या है जो बढ़ता जा रहा है, लोड बढ़ता जा रहा है, हम दिख नहीं रहे, ठीक है, अभी हम शायद ये दो जगह से दिख रहा हूँ मैं, अभी कुछ देर बाद सब जगह से छुप जाऊँगा मैं, ठीक है ना, इतनी चीज़ आ रही है हमारे ऊपर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नंबर थर्ड वाला पॉइंट के ऊपर चलते हैं, वो होता है देखो अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेशनरी आइटम्स और पैसों के अलावा, नंबर थर्ड बात करते हैं वो हमारे पास यार कि सराउंडिंग, ठीक है, मैं इस चीज़ को भी यार डार्क साइड्स के अंदर ही गिनना चाहूँगा, सराउंडिंग या फिर बात करते हैं फ्रेंड्स। देखो पहले ही तो हम बात करते हैं हमारे अंदर बोझ की कमी नहीं है, पहले हम बोझ के ऊपर, हम ये अपन अभी अंदर है उसके नीचे अपन खड़े हैं, उसके ऊपर देखो हमारी शीट्स आ गई, क्या क्या चीज़ आ गई, ठीक है ना, मतलब पहले हमारे पास कमी नहीं है बोझ की, बोझ तो बहुत सारा पड़ा है, बट लेकिन अगर आपकी सराउंडिंग आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा मिल जाता है आपको जो शायद आपको फ्री टाइम में, जब आपका टाइम कुछ कभी फिर आपको फ्री मिल जाता है गलती से, आपको एक फ्री टाइम मिल जाता है तो उस फ्री टाइम के अंदर आपको शायद कुछ ऐसी चीज के अंदर हम इन्वॉल्व हो जाएं जो हमको अपने गोल से पीछे खींच ले या फिर इस बोझ को और बढ़ा दे, ऐसा फ्रेंड सर्कल अगर मिल जाए तो वो डार्क साइड्स में ही काउंट होगा, तो इसको भी मैं क्या करूँगा इसके ऊपर रखूंगा।
डेफिनेटली मोटा मोटा बोलने से मतलब ये नंबर थर्ड वाला पॉइंट का कि अपना फ्रेंड सर्कल जो है ना वो ऐसा चुनना है, ऐसा सेलेक्ट करना है फ्रेंड जो अपने जैसे हो। देखो ये तो तय है कि अपने आप को कोई बुरा नहीं मानता, अपने आप को कोई गंदा नहीं मानता। आज मैं हूँ, आज आप हो, अपने आप को कोई बुरा नहीं बोलेगा, कोई गंदा नहीं बोलेगा, एक्स वाई जेड को भी होगा, ठीक है ना। बट लेकिन इसलिए बोलता हूँ अपने जैसा जो है ना, अपने जैसे फ्रेंड्स ढूंढने, अपने जैसे दोस्त ढूंढने, ताकि जो अपने जैसे हो, ठीक है। और अगर इन केस अपने जैसा कोई दोस्त कोई फ्रेंड मिलता नहीं है तो मैं बोलता हूँ अकेले रह जाना, पर लेकिन बुरी संगत में कभी मत पड़ना यार, कभी बुरी संगत में मत पड़ना। क्योंकि कॉलेज के अंदर एक बार अगर बुरी संगत में चले गए उसके बाद समझ लेना यार, लाइफ के अंदर 5 साल तो बहुत अच्छे से निकल जाएंगे भैया, बहुत मजे में निकल जाएंगे, पर जब जैसे 5 साल पास हो गए उसके बाद जो होगा शायद ऐसा होगा कि हमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। लाइफ के ऊपर जोर से एक मुक्का आएगा, जोर से पड़ेगा, एक इधर से पड़ेगा और एक इधर से पड़ेगा, सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ होगा। अच्छा नंबर थर्ड को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये जो जितने मैंने आपको बोला फ्रेंड सर्कल एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, इसमें क्या होगा आपको जब कॉलेज में जाओगे ना, और मैं बात करूँ नंबर जो फर्स्ट था कि वर्कलोड था, ये सब था, ये सिचुएशन बन रही है, इस सिचुएशन को शायद ऐसे बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे या फिर कॉलेज के अंदर ऐसा कुछ हो क्लासमेट्स हो जो शायद आपको ये बताएंगे कि वो लेट्स इनको मान लेते हैं ये आपके हो सकता है ऐसे कोई होंगे जो कि आपका सर्कल ऐसा है, या फिर आपको ऐसा कोई ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसा कुछ आपको स्टूडेंट मिलेंगे तो शायद आपको बोलेंगे कि ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन ऐसी रहेगी, इस सिचुएशन को बदला नहीं जा सकता। ये लोग बोलेंगे, ये लोग आपको बोलेंगे इस सिचुएशन को बदला नहीं जा सकता। और अगर आप चाहोगे इस चीज से बाहर निकलना तो भी ये आपको आकर दबा देंगे, ये आपको आकर दबा देंगे, ये आपको कभी ऊपर नहीं आने देंगे। सब तरह के लोग मिलेंगे, इसलिए आपको बोलता हूँ ना बुरी संगत, ये बुरी संगत वाले, ठीक है ना, बुरी संगत वाले। अगर आप चाहोगे कोई अच्छा करना तो भी आपको निकलने नहीं देंगे बाहर। एक्स वाई जेड कोई सा भी फील्ड हो, हर एक फील्ड के अंदर दुनिया जो है ना वो आपको खाना चाहती है, आप में से लूटना चाहती है, आप में से निकालना चाहती है, आप में से खाना चाहती है, कोई ना कोई आपको आकर पीछे खींचने में ही रहेगा। बुरी संगत तो कहीं मत पड़ना है, आपको आकर खींचेंगे, आपको आकर टांग खींचेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको अगर दबा देंगे चीजों के अंदर। पहले हमारे अंदर इन चीजों का बोझ कम नहीं जो यार हम ऐसे लोगों का बोझ और झेल लें जो हमको गलत राह पर देकर जा रहे हैं, जो हमारे गोल से हमको दूर ले जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 के ऊपर। ये सिचुएशन अभी है, ये सब डार्क फेसेस हैं, ये लोग भी आ चुके हैं, ऑलरेडी शीट भरी हुई हमारी, कमी नहीं डार्क फेसेस की। चलते हैं नंबर 4 के ऊपर जो कि हमारे पास है, कौन सा एक 4 नंबर ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए डार्क फेसेस है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। मैं मानता हूं पर्सनली फेस अच्छा है, डार्क नहीं है, पर लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए डार्क होता है जो मैंने सुना। इसीलिए इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, अलग अलग फील्ड के लोगों से, जिससे अपने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी। नंबर 4 जो हमारे पास है वो यार केस स्टडी, या फिर मैं बोल सकता हूँ साइट विजिट। देखो अभी अपन ने जब बात करी थी एकेडमिक की अभी थोड़ी देर पहले, नंबर पॉइंट नंबर 1 के अंदर एकेडमिक में मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिकल जो चीज़ होती है ना वो ज़्यादा मैटर करती है। प्रैक्टिकल के बाद मतलब सेम आपको साइट विजिट करनी होगी, केस स्टडी करनी होती है। जब हम किसी चीज़ की डिज़ाइन करेंगे कॉलेज में उससे पहले हमको केस स्टडी करनी होती है, जो चीज़ बनी होती है जाकर उसको देखना होता है, उसको चीज़ों का एनालिसिस करना होता है, घूमना पड़ता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमको घूमना है, थकान हो जाती है, हमारी चप्पल जूते वो घिस जाते हैं, मतलब इतना धूप के अंदर घूमना पड़ रहा है, धूप बारिश हो चाहे कुछ भी हो, अगर हमको काम टाइम पर करना है तो चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी, जितना घूमना है उतना करना पड़ेगा, जहाँ जाना है वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चीज़ें क्या है, समय लगता है, बोलने का मतलब ये चीज़ें प्रैक्टिकल है तो आपको केस स्टडी उस लेवल की करनी पड़ेगी, आपको केस स्टडी भी साइट विजिट भी करनी पड़ेगी, सब चीज़ें करनी पड़ेगी, तो चीज़ें वो भी यार हमको करनी पड़ती है। किसी किसी स्टूडेंट के लिए एक ज़्यादा डार्क फेसेस में काउंट हो सकता है, किसी किसी के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। बट लेकिन एक बार के लिए हम इसको रख सकते हैं यहाँ पर नंबर 4 के अंदर। ये तो लोग भैया रहेंगे, ये तो जो ऐसे हैं जो कि आपको गलत राह पर ले जा सकते हैं, ठीक है। गलत लोग तो हमेशा आपको मिलेंगे, जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है जहाँ नेगेटिविटी 100% होगी होगी, क्योंकि पॉजिटिव अकेला नहीं रहता। अगर अपन सेल की बात करते हैं, जो सेल चलाते हैं रिमोट में डालते हैं अपन सेल, ठीक है, उस सेल के अंदर भी एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर ओनली नेगेटिव हो तो चलेगा ही नहीं, ओनली पॉजिटिव हो तो चलेगा ही, दोनों होंगे तभी चलेगा। तो दुनिया भी तभी चल रही है अच्छे और बुरे लोगों की वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नंबर 5 की बात करते हैं, जो लास्ट पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 5, ध्यान देना। नंबर 5 वाला जो पॉइंट है वो रिलेटेड है बेसिकली, अगर यार ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, रिलेटेबल नहीं लगेगा आपको, पर लेकिन फोर्थ ईयर स्टूडेंट और फिफ्थ ईयर स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा यहाँ पर इनको टेंशन होती है, वो कि यार कौन सी प्लेसमेंट से रिलेटेड, कि भैया प्लेसमेंट का क्या चक्कर है। आपने देखा होगा स्टूडेंट को आर्किटेक्चर के अंदर जो प्लेसमेंट्स होते हैं ना,
वो प्लेसमेंट्स होते हैं क्या, मतलब नहीं बोल सकते, प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली बहुत कम होते हैं यहाँ पर, प्लेसमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत अगर बड़े बड़े कॉलेज देखें, NIT SPA कॉलेजेस, वहाँ पर प्लेसमेंट के चांसेस हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल जीरो भी नहीं है, प्लेसमेंट के चांस होते हैं, प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। पर लेकिन ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात करूँ तो बहुत कम होते हैं। अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने आप जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जाकर भी प्लेसमेंट ले सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लो, ऑन कैंपस प्लेसमेंट लो, कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है, फिर आप कंपनी के पास जा रहे हो, बात एक ही है, कैसे भी करके जॉब पैकेज अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ होती है। तो प्लेसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतर इतना ज़्यादा प्लेसमेंट का सीन नहीं रहता, स्पेशली छोटे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, छोटे छोटे कॉलेज में इतना ज़्यादा प्लेसमेंट का सीन बिल्कुल ही नहीं रहता है। पर लेकिन अगर बड़े कॉलेज की अगर बात करें तो किसी किसी कॉलेज में रहता है। तो ये एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा चीज़ वो है अंदर से रहती है कि यार प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पर इस फील्ड के अंदर, वो नहीं है, इतना ज़्यादा रेशियो नहीं है, बहुत कम रेशियो है प्लेसमेंट रेशियो, तो वो यहाँ पर रहती है, यार ये एक डार्क साइड्स में काउंट होता है, ठीक है ना। तो ये और हमारी क्या है, हमारे को अच्छे से कवर कर लेता है ये, और टेंशन जो होती है हमारे दिमाग में। तो चीज़ें जो बहुत सारी है, अभी भी कुछ कुछ साइड्स तो खुली दिख रही है, पर लेकिन एक बार की बात करें तो ऐसी सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में कि आपकी जो लाइफ होगी वो इस पूरा जो है, इस पूरे को आपको कवर कर लेगी, जाल, इस जो ट्रैप, इसमें फंस जाओगे आप, इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, ऐसी सिचुएशन आएगी आपकी। ये सिचुएशन जो होगी वो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन होगी। इस सिचुएशन के अंदर जो निकल गया, समझ लेना वो 5 साल के अंदर उखाड़ देगा, और आफ्टर 5 साल वो उखाड़ सकता है बंदा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आज। ये वो सिचुएशन है, यहां से निकलना पड़ेगा आपको। अब ध्यान देना, इस पूरी वीडियो के अंदर किसी ने अगर ध्यान से सुना हो, ध्यान से देखा हो, तो जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी चीज मैंने आपको बोली है, जो भी फेसेस जो मैंने आपको बोला है कि ये डार्क साइड्स आएगी, ये सब आ रहे हैं, ये सब जो भी चीज है, ये सब चीजें, मैंने इसके अंदर आपको ये कभी नहीं बोला कि आप इन चीजों से कभी निकल नहीं पाओगे। डेफिनेटली बात है कि जो टफ टाइम्स हमारे लाइफ में आते हैं, डेफिनेटली बात है जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में, उनका सॉल्यूशन होगा ही होगा, ये तो तय है। आज की वीडियो के अंदर मैं सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर अलग से बात करेंगे कि सॉल्यूशन की, कि भाई इस सिचुएशन से निकलना कैसे। बट लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूँ आपको, अगर उसने जो मैं नेक्स्ट जो सिचुएशन बताने जा रहा हूँ वो देख लिया ढंग से, गारंटेड उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा आज की इस वीडियो के बाद। वो कभी नहीं सोचेगा कि डार्क साइड्स ऑफ आर्किटेक्चर, वो कभी नहीं सोचेगा, उसका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इतने सा बात बोल रहा हूँ कि ऐसा सिचुएशन क्या आ सकती है कि ये जो चीज है ना बिल्कुल रिवर्स हो जाए, ये जो भी चीज बोझ है क्या वो नीचे आ जाए, और जो हम हैं क्या वो इसके ऊपर आ जाए, और ये जो चीज है ये इनके भी और ज्यादा नीचे चले जाए, और ये जो सिचुएशन है बिल्कुल रिवर्स हो सकती है लाइफ के अंदर। ये आज मैं बोल सकता हूँ, दावा ठोक के बोल रहा हूँ 100% कि ये सिचुएशन जो है बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। ये माइंडसेट चाहिए, और इस माइंडसेट के साथ आप कॉलेज में अगर पढ़ रहे हो तो गारंटेड आपको 5 साल तक कोई नहीं रोक सकता है। ये माइंडसेट होना चाहिए, देखते हैं यार ये माइंडसेट कितनों का रहता है इस बार। ये माइंडसेट चाहिए, और इस चीज को, ये सिचुएशन जो मैंने रिवर्स करी है, इस रिवर्स सिचुएशन के अंदर आने के लिए एकदम से तो नहीं आ पाएंगे यार। अब यहां पर इस सिचुएशन में आने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं भैया इस सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए, डार्क फेसेस इन आर्किटेक्चर जो है, डार्क साइड्स हैं, इन सब को हटाकर एक ब्राइट फ्यूचर जो हमारे को दिखता है, एक ऐसी जिंदगी, कलरफुल जिंदगी कैसा सकती है, कौन सी जो हमारे जितने भी डार्क फेसेस है, बोझ है, जिसे हमारे नीचे रहे, हम इनके ऊपर रहे, ऐसा क्या करें। तो इन सबको बोलते ना एक पहाड़, ये जब ऐसा था ना, ये पहाड़ था, ये पहाड़ है, ठीक है। अब पहाड़ को बात करो, आपको एक साथ पहाड़ तोड़ना है, नहीं तोड़ पाओगे, मैं बोलता आपके सामने असली का पहाड़ है, इसको आपको इसमें से एक रास्ता निकालना है, तो एक साथ थोड़ी एक मुक्का मारेंगे एक बार रास्ता बन जाएगा, नहीं पॉसिबल हो सकता। वैसे करके ये सिचुएशन जो है एक बार में पॉसिबल नहीं हो सकती, इस सिचुएशन को आपको टाइम देना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर से ही इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत सारे तरीके होते हैं छोटे छोटे, पहाड़ को तोड़ने तो एक एक करके पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा, एक टुकड़ा पहले हटेगा, एक पहाड़ का एक पत्थर हटेगा, फिर उसका दूसरा पत्थर हटेगा, फिर थोड़ा सा टुकड़ा हटाओगे, फिर ये टुकड़ा हटाओगे, फिर ये टुकड़ा हटाओगे, फिर ये वाला हटाओगे, फिर ये वाला हटाओगे, फिर धीरे 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 करके पूरा पहाड़ हटेगा, उसके बाद आप जाके क्या अपना एक रास्ता बनाओगे। ये स्टेप वाइज प्रोसेस है, ये सब पहाड़ के उसके बाद जाकर आप इन सबको साइड में हटाओगे, ये स्टेप वाइज प्रोसेस होगा, एक बार में नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या क्या तरीके हो सकते हैं, अब यहाँ पर जब बात करते हो तरीके के नाम पर यार बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी आती है, इसके ऊपर बात कर सकते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो यार आपके नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर छोटा सा प्यारा सा कमेंट की रिक्वायरमेंट है मेरे को, क्योंकि यार आपका कमेंट ही है वो मेरे लिए मोटिवेशन है। जिसने सिचुएशन को रिवर्स कर दी वही जो है सिकंदर है यार, वही सिकंदर है। कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन का क्या कर सकता हूं मैं, क्या मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है, और क्या मैं कॉलेज में जाने के बाद इस सिचुएशन को रिवर्स कर दूंगा,
क्या मैं क्या कर पाऊंगा, क्या नहीं करूंगा, आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स हैं, क्या सोचते हो, उन सब चीजों के थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं यार आपने इस वीडियो से क्या सीखा, या फिर आप क्या सोचते थे इस वीडियो को देखने के बाद, क्या सोच रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट करना, जो सोच रहे हो आपको, जो अच्छा लग रहा है, जो बुरा अच्छा, वीडियो के बुरा नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज कमेंट करो, मुझे हर चीज एक्सेप्टेबल है, मुझे हर चीज एक्सेप्टेबल है, आप सब चीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और जो सिचुएशन है इसको आप बदल सकते हो, इसको आप कर सकते हो, बस वो माइंडसेट है वो हमको लेकर चलना है, बस। थैंक यू।